हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आज आप सभी इस क्लास में देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यदि सेशन से जुड़ चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए और एक बार शेयर वाले बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देने की आपकी जिम्मेवारी है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि लाइक आप करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर हम किनको बोलते हैं, किन्हें कहा जाता है, ये आप सभी बच्चों को पता है क्या? नहीं पता? जी बिल्कुल, अरस्तु को बोला जाता है। किसको? अरस्तु को बोला जाता है, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बायोलॉजी नाम का जो ये शब्द है, ये सबसे पहले दिया गया था 1802 ईस्वी में। कब? 1802 ईस्वी में, 1802 में। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और पिता किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? जीवन का भौतिक आधार क्या है? क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है, ये जीवन का सबसे भौतिक आधार है, और इसकी खोज की गई थी 1963 में। इनके द्वारा? हेसल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हेसल्स के द्वारा इनकी खोज की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो हमने अभी जीव द्रव्य देखा है, ये जीव द्रव्य का काम क्या होता है? तो कोशिका में जो श्वसन वगैरह का काम होता है, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल? तो चलिए, सबसे पहले कोशिका का पता कब लगाया गया था? 1664 में जो है कोशिका का पता लगाया गया था। और ये किनके द्वारा लगाया गया था, ये आपको बताना है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा, या फिर स्वान के द्वारा, या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा, या फिर सेल्डन के द्वारा? तो जल्द से जल्द आंसर आप सभी बच्चों की तरफ से आ जानी चाहिए कि कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया। कोशिका का पता सबसे पहले लगाने वाले व्यक्ति रॉबर्ट हुक थे, और इन्होंने ही कोशिका का पता लगाया था 1664 ईस्वी में। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर सेंटर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर सेंटर, किसको कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द पावर सेंटर ऑफ सेल? तो चलिए, पावर सेंटर ऑफ सेल की यदि हम बात करते हैं, तो पावर सेंटर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर क्यों कहा जाता है? तो जितने भी रेस्पिरेशन के फंक्शन होते हैं, यानी कि श्वसन के कार्य होते हैं, ये सभी जो है यहीं से जो है होती है। और आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य जो चीज़ें होती है, उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और अगले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पावर सेंटर जो है सेल का कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित करती है? व्हिच स्ट्रक्चर डिफरेंट इज प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल? तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है? कोशिका भित्ति ह्यूमन में पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है, सिर्फ ये प्लांट में पाई जाती है। तो यही तो इस दोनों को अलग करती है कि एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल पाई जाती है, एक में सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो इसलिए आंसर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? व्हिच ऑर्गन इज कॉल्ड सुसाइड बैग? तो कौन सा ऐसा जो है, क्या है भाई साहब, कौन सा ऐसा जो है कोशिकांग है, सेल ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेन है जिसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग। कोशिका की कौन से ऐसे अंग हैं आपको नहीं पता है क्या? नहीं पता है, तो चलिए लाइसोसोम आप याद रखिएगा। लाइसोसोम जो है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आप देखेंगे कभी आपके हाथ वगैरह पर कहीं जल जाए, या फिर कट जाए, या फिर चोट लग जाए, जिसके कारण वहाँ पर काला हो जाता है। तो काला होने का कारण यही होता है कि वहाँ का सेल जो होता है,
सेल जो होता है वो डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल जो है वो मर जाता है वहाँ का। तो इस मरे हुए सेल को साफ करने का काम जो है ये किसका होता है, ये काम लाइसोसोम जो है एक एंजाइम छोड़ करके करती है, और इसलिए इसको आत्महत्या की थैली, कभी कभी ज़्यादा जो है लाइसोसोम ये जो है ज़्यादा एंजाइम छोड़ देती है, जिसके कारण जीवित कोशिका भी मारा जाता है। तो इसी के कारण जो है इनको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आत्महत्या की थैली यानी कि लाइसोसोम में जो है कितने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, कभी कभी आपसे यदि पूछ दिया जाए तो 60 टाइप्स जो है आप एसिड के याद रखेंगे, किसके एसिड के 60 टाइप्स होते हैं इस लाइसोसोम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाने वाले व्यक्ति कौन थे, वाटसन और क्रिक थे। कौन थे, वाटसन और क्रिक, यानी कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है इन चीज़ों का पता लगाया था 1953 में। कब, 1953 में जो है वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विगुणित मॉडल का पता लगाया था। तो आंसर आपका वाटसन और क्रिक ही आना चाहिए, ये आंसर आपने किया है तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। क्लास यदि अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जो है सारी चीज़ें कंप्लीटली लिखने की कोशिश करेंगे और लाइक वाले बटन को भी क्लिक करिएगा। चलिए डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलिए यहाँ पर डीएनए का मुख्य काम क्या होता है, डीएनए का काम होता है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, ऑपरेशन ऑफ जेनेटिक प्रोसेस, ऑपरेशन ऑफ जेनेटिक प्रोसेस, यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का सॉरी आरएनए पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए का काम जो है ये जीन को कंप्लीट बनाना है, क्या है, जीन को कंप्लीट बनाना आरएनए का जो है फंक्शन है, और ये जो है प्रोटीन को भी ऐड करता है कोशिकाओं में। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य में ये पाए जाते हैं, पाए कहाँ जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं किनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं मेंडल को, किनको, मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, और इनके जो लॉ है उसको मेंडलियन लॉ ऑफ कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेंडलियन लॉ ऑफ हेरिटियंस कहा जाता है इसके लॉ, इनके लॉ को। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ग्रेगर मेंडल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमेंस, क्रोमोसोम के नंबर्स जो है टोटल ये कितने होते हैं व्यक्ति में यानी कि मानव में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर होता है, और इसको यदि हम पूरा काउंट करें तो 46 यानी कि 46 हो जाता है, ये आपका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिकी रोग कौन से हैं, व्हाट आर द जेनेटिक्स डिजीज अकरिंग इन ह्यूमेंस। तो मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, ये जो है लोगों में होती है, और ये जेनेटिक्स के तौर पर होता है, जब आपके फादर या फिर मदर को होंगे तो उसके बच्चों को भी होने की संभावना होती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, रक्त का स्राव जो है कहीं कहीं से स्किन से होने लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मशहूर से देखेंगे कि ब्लड जो है बहने लगता है। टर्नर सिंड्रोम, ये भी एक अनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑल ऑफ दिस यानी कि डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा कब, लड़का पैदा होगा अ बॉय विल बी बॉर्न व्हेन, कब जो है लड़का पैदा होगा, हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम, जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, या फिर वाई वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, या फिर एक्स 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 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वाई की बात हो रही है, तो जब एक्स वाई क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तब जा करके ये चीज़ें होंगी, खुशहाली आएंगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए हीमोफीलिया रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनमें जो है बिल्कुल हमने अभी अभी इस पर चर्चा किया था कि उसमें ब्लड जो है बहना शुरू हो जाता है स्किन के किसी किसी भाग से, जैसे मसूड़ वगैरह से। तो ये होता क्यों है, ये होता है बिल्कुल रक्त का बहना बंद इसमें नहीं होता है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है,
जीन के बारे में यदि सत्य कथन की बात करते हैं तो यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, उसके बाद यह अनुवांशिकी की इकाई है, उसके बाद यह गुणसूत्र पर। जी बिल्कुल, ये तो दोनों सही है ना, ये दोनों सही, हम गलत गलत मार रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, जी बिल्कुल ये भी सही है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? सबसे पहले सेंथेसिस जो है किसने किया था, जीन का, जीन का, हु डिड द फर्स्ट सेंथेसिस, सेंथेसिस ऑफ जीन्स। तो जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किनके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना जो है इंडियन थे, क्या थे, इंडियन थे, लेकिन ये अमेरिका में जो है अपने सारे काम करते थे, तो इसलिए अमेरिकन वैज्ञानिक इनको बोला जाता है। आंसर सी इज करेक्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल जो है ये चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में होता क्या है? तो इन्वायरमेंट पर, मान लीजिए कि अभी जो है पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ रहा है किसी कारण से, ट्रांसपोर्टेशन या फिर अलग तरीके से, तो इसको कैसे हम इससे अलग हों, इसके क्या जो है मायने निकालें, क्या इसके सॉल्यूशन निकालें, तो इसी को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बोला जाता है। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? व्हिच प्लांट वॉज सिलेक्टेड बाय द मेंडल फॉर हिज जेनेटिक्स प्लांट चॉइस एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, सबसे पहले अनुवांशिकी की खोज जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा ही किया गया था, तो इसके लिए इन्होंने कौन से पौधा लिया था? 10th क्लास में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, तो इन्होंने मटर का पौधा लिया था। मटर का पौधा इसलिए लिया था क्योंकि इनमें जो है कई टाइप्स होते हैं इनके, साथ ही साथ जल्द जो है ये कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का यूज किया था। अगला नंबर क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति, कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति जो है में किस रंग की पहचान नहीं होती है? व्हिच कलर इज नॉट रिकोगनाइज्ड बाय अ कलर ब्लाइंड पर्सन। कलर ब्लाइंड पर्सन जो होंगे उनमें आप देखेंगे कि वो जो है रेड और ग्रीन कलर को अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाएंगे, रेड और ग्रीन कलर को अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल डी आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? कौन से ऐसे जो है जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिसको हम किस फाइलम में रखते हैं भाई साहब? तो द एनिमल ऑफ विच फाइलम आर कॉल्ड एनिमल फॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर जो गठित जंतु होते हैं उसको हम किस फाइलम में रखते हैं? उनको रखा जाता है प्रोटोजोआ, उनको क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। अगला नंबर क्वेश्चन, अंडर विच फाइलम हैव द सिंगल कॉल्ड एनिमल, सिंगल सॉरी सिंगल सेल्ड एनिमल, यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, अमीबा एंड एगुलिना बीन पेलेस्ट, यानी कि एक कोशिकीय जो भी एनिमल्स होते हैं ना उसमें अमीबा और यूगुलिना जो है किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, किस संघ के अंतर्गत इन दोनों को, अमीबा और यूगुलिना को रखा जाता है? ये दोनों एक कोशिकीय जीव हैं, तो इसको किनके अंतर्गत रखा जाता है? इनको रखा जाता है प्रोटोजोआ के फाइलम में। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेंढक में श्वसन स्किन के द्वारा होता है, और भी बहुत जगह से श्वसन होता है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो उसके बाद जो है लंग्स, 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 लंग्स के बाद यदि हम बात करते हैं तो माउथ और स्किन, स्किन, यहाँ से मेंढक श्वसन करता है। तो मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा होता है ना, यहाँ पर फेफड़ा के द्वारा भी होता है और क्लोम के द्वारा भी होता है जो गलफड़ा टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मछली, रियल फिश, देखिए मछली के दो टाइप्स होते हैं, और जब आप जो है पढ़ेंगे इसके बारे में तब आपको पता चलेगा, और यहाँ पर जो है हमने इस पर एक सेशन भी कर रखा है फाइलम से संबंधित, यानी कि क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो चीज़ें हैं उस पर हमने सेशन किया है, तो उस सेशन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर वास्तविक मछली किसको बोला जाता है वहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो वास्तविक मछली में जो है पंख होते हैं, क्या होते हैं? पंख होते हैं। इसमें क्लोम भी पाए जाते हैं, क्लोम जिससे ये सांस लेता है। उसके बाद इसमें जो है ये जो है एक केपसुलरिस
केरिस्का टाइप का प्राणी होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वास्तविक मछली सभी में से स्टारफिश या फिर विस्टल फिश, हिप्पोकैम्पस या फिर सी ककम्बर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है और ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका है, हिप्पोकैम्पस सॉरी जी बिल्कुल यहाँ पर जो है हिप्पोकैम्पस नहीं, ये बिल्कुल सही है, सही है। चलिए, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? मेंढक जो है एम्बीफिबियन है, एम्बीफिबियन है, अब उभयचर है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द हार्ट ऑफ मैमल्स हैव, यानी कि स्तनधारी जो जीव होते हैं उसमें उसके हार्ट में जो है कितने चैम्बर होते हैं, तो ये क्वेश्चन शायद किसी क्लास में हमने आपको करा रखा है, चार चैम्बर होते हैं इस तरीके से, और चार चैम्बर में दो राइट साइड और दो लेफ्ट साइड, दो राइट साइड और दो लेफ्ट साइड में चैम्बर होते हैं जिसको अलिंद और निलय के नाम से हम जानते हैं, तो यहाँ पर चार चैम्बर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए आज का क्लास यहीं पर हम रखते हैं, क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक करने की कोशिश कीजिएगा जिससे हम भी और भी इनर्जेटिक होकर के अगले क्लास को कंप्लीट करा सके। नेक्स्ट जो आपके सामने यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, तो इस क्लास को हम चाहते हैं यहीं पर एंड करना, तो आप यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मिलने वाली है सभी विषय की बेहतर तैयारी करने का मौका, चैप्टर वाइज थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के क्लासेज होंगे, इसमें सभी विषय का PDF नोट्स मिलेगा, प्रीवियसर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई जाएगी। नेक्स्ट है, पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे सब्जेक्ट बिल्कुल थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के क्लास के द्वारा आपको कंप्लीट कराई जाएगी आपके एग्जाम से पहले, बिना किसी कोचिंग और किसी अदर क्लास के। तो चलिए, इससे संबंधित और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो 7479823598 पर कॉल करके आप ले सकते हैं। कोर्स फी जो है मात्र हमने आपके एग्जाम तक 599 रखा है, जो कि काफ़ी कम है, तो आप यदि अफोर्डेबल हो तो इस कोर्स को ले सकते हैं। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर जाकर के आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, आपके सामने दो एप्लीकेशंस होंगे, एक रेड लोगो में एक फाइट लोगो में, इस रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये सारे इंटरफेस आएंगे, इसको फिल करके टर्म कंडीशन एग्री करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आप, उसके बाद मेडिकल कैटेगरी को सिलेक्ट करके सेव वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आगे आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन होगा, पेड कोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने बायनो का ऑप्शन दिखेगा, बायनो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने जो है पे ऑनलाइन का आइकन दिखेगा, पे ऑनलाइन के आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप के सामने जो है दिखेगा कि आप पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट, नेट बैंकिंग, पे लेटर, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं तो यहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आपकी कोर्स इनरोल हो जाएगी। आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हम आपके कोर्स को इनरोल करके दें तो इस QR कोड पर या फिर इस 7631244178 पर आप पेमेंट कर देंगे, फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम तीनों का ये जो है नंबर है, तो यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे, लालू कुमार के नाम से जो है होल्डर है, तो यहाँ पर जो है पेमेंट करने के बाद 7479823598 पर कॉल करेंगे तो LGR स्टडी की टीम आपको कोर्स इनरोल करके देगी, ठीक है ना। ये जो आपके सामने जो फाइट लोगो वाला एप्लीकेशन था, ये में इसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीटली है, बिल्कुल फ्री में, ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, तो आप चाहें तो इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।